हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 12 हेरोन्स फॉर्मूला का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है एन आइसो स्केल्स ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कुल मिला के देखिए, एक आइसो स्केल्स ट्रायंगल है, ठीक। आइसो स्केल्स ट्रायंगल देखिए होता कैसा है, कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए कि हमारा एक ए बी सी, ए बी सी एक आइसो स्केल ट्रायंगल है, ठीक। तो इसका जो ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है, ठीक, वो इक्वल रहेगा। कुल मिला के देखिए, अब कोई कंपलसरी नहीं है कि ये वाला साइड और यही वाला साइड इक्वल हो, ये वाला साइड ये वाला भी साइड इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। मतलब आइसो स्केल्स ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रहते हैं और जो तीसरा साइड रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। अगर तीसरा साइड इक्वल हो जाएगा तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइसो स्केल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल रहता है, ठीक। तो ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक। तो इसका मान लीजिए कि जो लेंथ है, जो साइड है, मान लेते हैं कि ए सेंटीमीटर है, ठीक। इसका ए है, इसका बी सेंटीमीटर है और इसका सी सेंटीमीटर है, ठीक। समझिएगा बात को, ठीक। तो इसमें जो ए और बी का, ठीक है ना, मतलब जितना ए का लेंथ रहेगा, मतलब ए बी जितना रहेगा उतना आपका ए सी भी रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। आइए देखिए क्या वो बोल रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन आइसो स्केल ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर। मतलब हमको जो गिवन में है, सबसे पहले इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, मतलब पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, पेरीमीटर है वो दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक। पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर है इस ट्रायंगल का। उसके बाद बोल रहा है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। यही मैं फोकस करना चाहता था कि जो इक्वल साइड है, मतलब ए बी और जो ए सी है, ठीक है ना। तो ए बी का साइड ए मैं लिया हूँ और ए सी का साइड बी लिया हूँ और बी सी का सी, ठीक है ना। तो ए जितना जितना वैल्यू ए रहेगा उतना बी रहेगा, ठीक। तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पास बोला है कि जो इक्वल साइड का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी बी इजक्वल टू भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास और लिख लीजिएगा, ए इजक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक, और बी इजक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और सी हमको नहीं दिया है, सी हमको निकालना है। सी जब निकाल लेंगे उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो आइए सी निकालते हैं, उसके साथ एरिया भी निकालते हैं। तो देखिए, जो पेरीमीटर होता है वो तीनों साइड के सम से बनता है, ठीक है ना। मतलब ए प्लस बी प्लस सी जब करेंगे तो जब उस तब जाके हमारा पेरीमीटर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ पेरीमीटर इज इक्वल टू मीटर जो होता है वो तीनों साइड के सम से होता है, ठीक है ना। जैसे ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, ठीक। इन तीनों साइड का जब आप सम करेंगे तो पेरीमीटर मिलेगा, ठीक। तो पेरीमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। 30 ये पहले से दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये दोनों साइड इक्वल वाला बोला है ना, कि इक्वल साइड जो है, ठीक है ना, उनका जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। तो ए इजकल टू 12 सेंटीमीटर, बी इजकल टू 12 सेंटीमीटर। आ सी हमको नहीं दिया है, सी हमको निकालना है। तो इस इक्वेशन से सी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास सॉल्व करते हैं, तो 30 माइनस 24 इक्वल टू सी, है ना। इन दोनों को ऐड किया और एल एच एस साइड शिफ्ट किया तो माइनस में आएगा, ठीक। तो यहाँ पास हो जाएगा 6 इजक्ल टू सी, मतलब जो सी का वैल्यू आया और सी इजक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक, ठीक है ना। जो सी, मतलब जो साइड सी है उसका वैल्यू सी सेंटीमीटर, अरे 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पास सी इजक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक। अब आइए इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं और नाइट राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें जो फॉर्मूला बने लगेगा वो लगेगा हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक। तो देखिए, तीनों साइड हमको मिल गया। अब हेरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला में एक आता है सेमी पेरीमीटर, मतलब एस। एस का वैल्यू भी यहीं पास फाइंड कर देता हूँ मैं आपको।
पैरीमीटर दिया है 30, ठीक है ना। जो पैरीमीटर होता है उसका आधा होता है सेमी पैरीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पास सेमी पैरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, सेमी पैरीमीटर, ठीक है ना। सेमी पैरीमीटर एस से डिनोट करते हैं, वो होगा 30 का हाफ, यानी 30/2, तो हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर, ठीक। ये वाला अब आएगा यूज, हेरोंस फॉर्मूला में आएगा सेमी पैरीमीटर का वैल्यू, ठीक है ना। तो सेमी पैरीमीटर हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक। सबसे पहले हेरोंस फॉर्मूला लिखते हैं, तो हेरोंस फॉर्मूला से जो एरिया बनता है, मतलब एरिया निकलता है, तो एरिया इज इक्वल टू, ठीक है ना, एरिया निकाल रहे हैं हेरोंस फॉर्मूला से, तो हेरोंस फॉर्मूला लिखे यहाँ पर। तो हेरोंस फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट के अंदर, फिर एस माइनस बी, सारे इंटू में रहेंगे, ठीक है ना, फिर एस माइनस सी, ठीक है ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। अब एस का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, ए का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, बी का वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर है, और सी का वैल्यू अभी अभी हमने 6 सेंटीमीटर फाइंड किया, ठीक। तो पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इक्वल टू, देखिए एस मतलब सेमी पैरीमीटर है, ठीक है ना, और सेमी पैरीमीटर मतलब पैरीमीटर का हाफ, तो पैरीमीटर का हाफ मतलब देखिए 30/2 15 आ गया। अब यहाँ पास लिखेंगे एस इजकल टू 15, एस की जगह पर 15 लिखेंगे, फिर 15 माइनस ए कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर है, 12, सेम प्रोसेस 15 माइनस बी भी हमारा 12 है, ठीक है ना, यहाँ पास बी भी आप देख सकते हैं 12 है, फिर 15 माइनस सी हमारा है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पास लिखेंगे 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट, और 15 को मैं 3 × 5 भी लिख सकता हूँ, 3 × 5, ठीक, इंटू, अब 15 − 12 3 होगा, ठीक, 15 − 12 3 ही होगा, 15 − 6 9 होगा, तो 9 को मैं 3 × 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक, ये आया। अब देखिए अगला स्टेप में एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट नहीं, अब क्या है कि पेयर बन रहा है यहाँ पास, तो पेयर को बाहर निकालेंगे, 3 का पेयर बन रहा है, ये एक 3 का पेयर नहीं बना और नहीं 5 का बना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पेयर बन रहा है बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा हमारा इस पेयर का 1 3 × इस पेयर का 1 3, ठीक, अंडर रूट में। अब बचा क्या, 3 × 5 यानी 15 बचा, ठीक। अब देखिए अब अगला, ठीक है ना, इसके बाद वाला जो लाइन है, इसके बाद वाला लाइन इधर साइड लिख रहा हूँ, ठीक, तो यहाँ पास हो जाएगा हमारा एरिया इक्वल टू, ठीक, अब 3 × 3 9, अंडर रूट 15 तो है, यूनिट क्या है हमारा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, जो आइसो स्केल्स ट्रायंगल है उसका एरिया हो जाएगा 9 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक। कुल मिला के देखिए आइसो स्केल्स ट्रायंगल का जो दो साइड होता है वो इक्वल होता है, मतलब जितना ए का वैल्यू है उतना बी का वैल्यू है, तीसरा नहीं दिया है तो पैरीमीटर दिया है, तो या इस प्रोसेस से हम सी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। सी निकालने के बाद आप सेमी पैरीमीटर मतलब पैरीमीटर का हाफ कर दीजिए, उसके बाद सारा वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।